अस्सलामु अलैकुम आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 3 मई की देखते हैं स्पीड न्यूज़। इसराइली जेल में 86 दिन भूख हड़ताल के बाद मुमताज़ फ़लस्तीनी रहनुमा कादर अदनान कर गए इंतकाल। फ़लस्तीन भर में एहतजाज, गाजा से इसराइल पर दागे गए रॉकेट। इसराइली जेल में फ़लस्तीनी रहनुमा अदनान की मौत, ईरान का इजहार मजम्मत। कहा, जेल में अदनान की शहादत ने मजलूम फ़लस्तीनियों की मज़ाहिमत के जवाज़ को कर दिया मज़ीद वाज़ेह। गाज़ा की जानिब से हमले के जवाब में इसराइल ने गाज़ा की पट्टी पर की गोलाबारी, दागे 21 रॉकेट, बड़े पैमाने पर तबाही की खबर। आज 3 मई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, यूएन चीफ एंटोनियो गुटरेस का पैगाम, दुनिया भर के सहाफ़ियों से किया इजहार यकजहती। कहा, दुनिया के हर कोने में आज़ादी सहाफत पर हमले जारी। जंगजदा सूडान में फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस में झड़पें जारी, 500 से ज्यादा अफराद हलाक। पैरामिलिट्री फोर्सेस 7 रोज़ा जंगबंदी पर मुत्तफिक। यूक्रेन पर रूसी हमलों के 15 माह, यूक्रेन में अगस्त तक बढ़ा दिया गया मार्शल लॉ। इसी दरमियान यूक्रेन ने रूस की मालगाड़ी पर किया हमला, ट्रेन कर दी तबाह। बरतानवी बादशाह चार्ल्स की 6 मई को ताजपोशी, तकरीब से पहले शाही महल बकिंगम पैलेस पर हमला, शख्स ने शाही महल के बाहर किया कंट्रोल्ड धमाका, हमलावर गिरफ्तार। यूरोप में रिफाइंड पेट्रोलियम मसनूआत का सबसे बड़ा सप्लायर बना भारत, पाबंदियों के बावजूद रूस से रिकॉर्ड खाम तेल खरीद रहा भारत। मिस्र के मुफ्ती आजम का 6 रोज़ा दौरा भारत, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक तकरीब से किया खिताब, मुसलमानों से पूरी दुनिया में अमन का सफीर बनने की अपील की। मजहबी हम आहंगी तबाह करने बनाई गई फिल्म केरला स्टोरी की रिलीज पर पाबंदी को लेकर जमीयत उलमा हिंद पहुंची सुप्रीम कोर्ट, जमीयत की दरख्वास्त पर समाज से सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया इनकार। मोदी सरनेम केस में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को एक और झटका, गुजरात हाई कोर्ट ने उबूरी राहत देने से किया इनकार, सजा पर फैसला महफूज। कर्नाटक इलेक्शन इंतखाबी मुहिम में जबान की गिरती हुई सतह पर इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को किया खबरदार, अल्फाज के इस्तेमाल में एहतियात का दिया मशवरा। कर्नाटक इलेक्शन के पेश नज़र बीजेपी लीडरान की जानिब से हेट स्पीच, कांग्रेस वफ्द पहुंचा इलेक्शन कमीशन, अमित शाह, नड्डा और योगी के खिलाफ की शिकायत। कर्नाटक कांग्रेस मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर पाबंदी का वादा, बीजेपी लीडर डॉक्टर संबित पात्रा ने की तनकीद, कांग्रेस को करार दिया 100% हिंदू मुखालिफ पार्टी। इलेक्शन से पहले कर्नाटक पहुंचे एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी, मुरादाबाद में इंतखाबी रैली से किया खिताब, सियासी तौर पर मुसलमानों को मजबूत होने का दिया मशवरा। अतीक व अशरफ अहमद कत्ल मामले पर अखिलेश यादव की खामोशी, असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवालात। कहा, अखिलेश की पुरसरार खामोशी, वो आजकल सिर्फ ट्वीट से चला रहे काम। कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने कर्नाटक पहुंचे रेवंत रेड्डी, जलसे से किया खिताब, दावा किया कर्नाटक में कांग्रेस की होगी अगली हुकूमत। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ खवातीन पहलवानों की एक और शिकायत, कहा, दिल्ली पुलिस नहीं कर रही कोई कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने दिया इंक्वायरी का हुक्म। अस्पताल में दाखिल अपनी अहलिया की सेहत का हवाला देकर मनीष सिसोदिया ने दी उबूरी जमानत की दरख्वास्त, दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को जारी किया नोटिस। कल 4 मई को कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में बीआरएस के नौ तामीर शुदा दफ्तर का सीएम के सीआर करेंगे इफ्तिताह, मिनिस्टर प्रशांत रेड्डी ने लिया इमारत का मुआयना। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रही बीआरएस की मकबूलियत, सीएम केसीआर ने किया ऐलान, बीआरएस महाराष्ट्र में सियासी तूफान करेगी बरपा। सेक्रेटरियट में रेवंत रेड्डी को दाखिले से रोकना तानाशाही, मोहम्मद अली शब्बीर की सख्त तनकीद, पूछा, नया सेक्रेटरियट सरकारी काम के लिए है या केसीआर का शाही महल। तेलंगाना में बेमौसम बारिश के दरमियान महकमे मौसमियात ने की पेश कयासी, मई के दूसरे हफ्ते से तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में होगा इजाफा। 2 दिन पहले आईपीएल मैच के बाद विराट कोहली और गौतम गंभीर जबानी झगड़े में हुए थे मुलव्विस, गंभीर और कोहली पर 100% मैच फीस का लगाया गया जुर्माना।
हैदराबाद में सोने की कीमतें पहुंची बुलंद तरीन सतह पर। 24 कैरेट सोना 62,800 रुपए जबकि प्योर चांदी 775 रुपए फी 10 ग्राम दर्ज। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।